शुरुआत करें एक बेहतरीन चैप्टर सर्कल। इसका नाम है सर्कल, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे आज। अब सुने मेरी बात ध्यान से, 10 चैप्टर है और स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ ली और सर्कल में ध्यान नहीं देंगे तो बन जाएंगे। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट ज्योमेट्री। पॉइंट नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, डेफिनेशन एंड इक्वेशन। पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखिए डेफिनेशन एंड इक्वेशन। आइए बात करें डेफिनेशन एंड इक्वेशन की। अब सुनो ध्यान से, डेफिनेशन सर्कल की डेफिनेशन तो वैसे सब लोग जानते हैं। लिखो, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स देखिए, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे, सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे सो दैट इट्स डिस्टेंस, सो दैट इट्स डिस्टेंस, सो दैट इट्स डिस्टेंस, सो दैट इट्स डिस्टेंस from a fixed point, so that it's a distance from a fixed point, so that it's a distance from a fixed point is always constant, so that its distance from a fixed point is always constant, so that its distance from a fixed point is always constant, so that its distance from a fixed point is always constant, ताकि उसकी distance from a fixed point is always constant. क्या बात समझ में आई? आगे लिखो, the fixed point is called center, 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 and the fixed distance, the fixed point is called center, and the fixed distance is called radius. The fixed point is called center and the fixed distance is called radius. The fixed point is called center and the fixed distance is called radius. Fixed point कहलाएगा center और जो fixed distance होगी वो कहलाएगी radius. क्या मेरी बात समझ में आई? Fixed point है center और fixed distance radius. फिर से सर्कल का हम जानते ही हैं, गोल मटोल बेहतरीन सर्कल, ऐसे बिंदुओं का लोकस, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी दूरी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, सेंटर को सी से। स्ट्रेट लाइन की कितनी फॉर्म की इक्वेशन थी? 8। सर्कल की कितनी फॉर्म है? 5। आइए एक एक फॉर्म को देखें। सबसे पहला, सबसे ललुआ फॉर्म, अगर सर्किल का सेंटर x1 y1 है और सर्किल का रेडियस r है तो इसकी इक्वेशन x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या फॉर्म 1 क्लियर है? क्या फॉर्म 1 क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए बात करें फॉर्म 2 की। फॉर्म 1 का ही भाई है, अक्सर काम में आता है। अगर गलती से सेंटर ओरिजिन हो जाए और अभी भी रेडियस r रहे तो सर्कल की शक्ल बड़ी सुंदर दिखाई पड़ेगी। x² + y² इक्वल टू r स्क्वायर, x² + y² इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है? बहुत सिंपल। फॉर्म 3, फॉर्म 3 पर बात करेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। यह है सर्कल की जनरल फॉर्म की इक्वेशन। x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। यह है सर्कल की जनरल फॉर्म की इक्वेशन। अगर ये जनरल फॉर्म है तो हमें इसका सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। इसका सेंटर निकल के आता है -g-। ध्यान दीजिएगा, x² और y² का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2g और y का 2f। और इसके अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस निकल के आएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी आएगा इसका रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग कह सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो रियल सर्कल, लेकिन अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल 0 तो पॉइंट सर्कल, और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 तो इमेजिनरी सर्कल। यानी बेसिकली कोई सर्कल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो इसका रूट एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? फॉर्म 4 बड़े काम की है, डायामेट्रिक फॉर्म। डायामेट्रिक फॉर्म की अगर अपन बात करें तो भैया याद है सर्कल के डायामीटर का एक एंड पॉइंट अगर x1 y1 है और सर्कल के डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट अगर x2 y2 है। डायामीटर का एक एंड पॉइंट x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट x2 y2, तो भी अपन इस सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? सोचो, इसका अगर सर्किल पर कोई भी जनरल पॉइंट है तो एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री निकल के आएगा, तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1 आएगा, वही लिख रहा हूं वो। उसको अगर अपन लिखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म में निकल के आएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कहलाता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। कौन सा फॉर्म? डायमेट्रिक फॉर्म। एक्स माइनस एक्स1 इंटू एक्स माइनस एक्स2 प्लस वाई माइनस वाई1 इंटू वाई माइनस वाई2 इक्वल टू 0। ये बहुत आसान भाई, तुम्हें बता रहा था। अगर इस पर जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लो, अब ये डायमीटर है तो एंगल इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री होगा, तो इस लाइन का स्लोप वाई माइनस वाई1 अपॉन एक्स माइनस एक्स1 इंटू इस लाइन का स्लोप वाई माइनस वाई2 अपॉन -1 होना चाहिए। बस यही चीज निकल। क्या क्लियर है बच्चों को? क्लियर है। अंतिम फॉर्म यहाँ कोने पे लिख देता हूं, सारे फॉर्म आ जाएंगे। अंतिम फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए, ध्यान। आइए डायग्राम का यूज कर लें। मान लीजिए सर्किल का सेंटर x1 y1 है, x1 y1 है सर्किल का सेंटर, रेडियस r ले लिया, और मान लीजिए एंगल थीटा। तो हम पैरामीटर स्ट्रेट लाइन में जानते हैं कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा का y1 प्लस आर साइन थीटा। अरे यार, लाइन के ऊपर भी जनरल फॉर्म x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा था। जरा इसको देखिए, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। इसको देखिए, अगर r फिक्स है और थीटा वेरी करेगा तो ये देगा सर्कल, क्योंकि सर्कल का आर फिक्स होता है, थीटा वेरी करता है। लेकिन अगर इसी में आर वेरी होगा, थीटा फिक्स होगा, तो यही चीज देगी लाइन, क्योंकि लाइन का स्लोप फिक्स होता है, दूरी वेरी करती है। सर्कल में दूरी फिक्स होती है, एंगल वेरी करता है। अगर एक डंडी को ऐसे लेके घुमाओगे तो क्या बनाएगा? सर्कल। घुमाओगे तो रेडियस तो फिक्स कर दिया तुमने, क्या वेरी करा रहे हो? थीटा। लेकिन अगर तुमने थीटा फिक्स कर दिया और ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगी? लाइन। ध्यान रखना, दोनों की पैरामेट्रिक इक्वेशन दिखने में एक जैसी होती है। x1 प्लस आर कॉस थीटा का y1 प्लस आर साइन थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा का y1 प्लस आर साइन थीटा। दोनों की पैरामेट्रिक इक्वेशन दिखने में एक जैसी होती है, फर्क इस बात का है कि वेरी कौन कर रहा है, कॉन्स्टेंट कौन है। आर वेरी करवाओगे, थीटा कॉन्स्टेंट रखोगे तो लाइन, और अगर आर फिक्स होगा, थीटा वेरी करेगा तो सर्किल। सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं, सबसे काम की चीज। सर्किल के ऊपर अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? ये पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है तो आर फिक्स है, थीटा वेरी कर रहा है, आर फिक्स है, थीटा वेरी कर रहा है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब एक मिनट रुक जाओ। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपन ने सर्कल का इक्वेशन समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, पांचों इक्वेशन समझ ली, लेकिन मुद्दे की बात सुनिए। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए आप दो चीजों की खोज करेंगे, सेंटर एंड रेडियस। बस, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आप सिर्फ दो चीजों की खोज करेंगे, सेंटर एंड रेडियस। हर बार मन में यही बात बिठाओ, अगर मुझे सर्किल निकालना है तो बस मुझे सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर पता, रेडियस पता, तो सर्किल की इक्वेशन पता। कॉपी कर ले। दो छोटी बातें और करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखें, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन। सुनना ध्यान से, कोई भी सर्किल दिया गया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, कोई भी सर्किल आपको दिया गया है, हम पता करना चाहते हैं कि जो पॉइंट x1 y1 है, हम पता करना चाहते हैं कि जो पॉइंट x1 y1 है वो सर्किल के बाहर है कि सर्किल के ऊपर है कि सर्किल के अंदर है। बहुत इजी, पॉइंट को सर्किल में रख दो। x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। अगर यह जो एक्सप्रेशन है यह >0 है तो पॉइंट सर्किल के बाहर है, =0 है तो पॉइंट सर्किल के ऊपर है, <0 है तो पॉइंट सर्किल के अंदर है। क्या बात समझ में आई? आउटसाइड, ऑन और इनसाइड, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कॉपी कर ले, छोटी सी बात। सर्किल को ढूंढने के लिए हम लोग हमेशा दो चीजें ढूंढेंगे, सेंटर, रेडियस। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन कर, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, और इन क्वेश्चनों की अप्रोच पर ध्यान देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये बताइए, 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्किल कैसे निकालेंगे? ये 3 पॉइंट गिवन है, कैसे? हमको सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1,1, 3,4, 5,-। सेंट्रॉइड से कुछ नहीं होगा, नहीं, 3 इक्वेशन 3 में सॉल्व करने में बहुत झंझट होगा। अब मेरी बात सुन, एग्जैक्ट तरीका सुने जो फ्यूचर में भी काम करे। सर्किल पर किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो कॉर्ड मिलेगी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किल के सेंटर से पास होगा। इन 2 पॉइंट को जोड़ेंगे, कॉर्ड मिलेगी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास होगा। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्किल का सेंटर। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, आइए मैं लिखूं। इस लाइन का स्लोप 4 - 1 / 3 - 1, 3/2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2/3। इन दोनों लाइनों का मिड पॉइंट 3 और 1 = 4, 2, 4 और 1 = 5, 5/2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही है कि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करे। इस लाइन की इक्वेशन आ गई y - 5/2 - 2/3 x - 2। बोलो हाँ। नेक्स्ट इस लाइन पर आ जाइए, इस लाइन की स्लोप निकालिए, -2 - 4, 5 - 3, -6/2 -3। इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप 3, बोलो हाँ सर, 3 नहीं, 1/3। इसका मिड पॉइंट निकालिए आप, मिड पॉइंट आएगा 5, 3, 8, 4, 4 - 2, 2, 1, बोलो हाँ सर। तो भैया इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं कि इस लाइन की इक्वेशन y - 1 = 1/3 x - 4, बोलो हाँ। मेथड सेट है, अगर 2 पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ोगे तो यही मिलेगा। बस इन दोनों का निकाल लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या दे देगा वो? सेंटर। क्या मिला कि नहीं मिला? अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सेंटर दे दे रहा है तो रेडियस कैसे मिलेगा? यस, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट की दूरी क्या दे देगी? रेडियस। इज द अप्रोच क्लियर? इज द अप्रोच क्लियर? कॉपी करें। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, लिखो आलसी बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू 1, 1 and 3, 4. Find the equation of a circle passing through 1, 1 and 3, 4 and whose center, and whose center, and whose center lies on the line, and whose center lies on the line this. Find the equation of a circle passing through 1, 1 and 3, 4 and whose center lies on the line this. हाँ भैया कोनो योजना बताइए, एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो 1, 1 3, 4 से पास होता है और जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर। यस वही करेंगे, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा कि नहीं होगा, और सेंटर इस लाइन पर होगा कि नहीं होगा, तो सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कि नहीं होगा। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं? अभी भी निकाला था। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर देगा? अरे देगा। क्लियर है बच्चों को? वेरी गुड वेरी गुड। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर भी दे देगा। गाड़ी पहुंच गई, सेंटर पता लग गया। रेडियस कैसे निकालोगे? किसी भी पॉइंट से सेंटर की दूरी दे देगा हमको रेडियस। कर पाएंगे? कर पाएंगे? कॉपी करो। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही बढ़िया, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एकदम नई बात सीखेंगे। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल circumscribing the triangle, find the equation of a circle circumscribing the triangle formed by the lines this and this. Find the equation of a circle circumscribing the triangle, find the equation of a circle circumscribing the triangle formed by the lines this and this. Find the equation of a circle circumscribing the triangle formed by the lines this and this. Find the equation of a circle circumscribing the triangle formed by the lines this and this without finding any of the vertex, without finding any of the vertex. एक जादुई बात बताने जा रहा हूं, सब बच्चे उस जादुई बात पर विशेष ध्यान देंगे। सुनो, ये तीनों लाइनें मिलकर जो ट्रायंगल बनाती हैं, ये तीनों लाइनें मिलकर जो ट्रायंगल बनाती हैं, उस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल चाहिए मुझको। क्या चाहिए उस ट्रायंगल का? सर्कम सर्किल। क्या चाहिए उस ट्रायंगल का? सर्कम सर्किल। बिना एक भी वर्टेक्स निकाले। मान लो एक लाइन की इक्वेशन L1 = 0 है, मान लो एक लाइन की इक्वेशन L2 = 0 है, मान लो एक लाइन की इक्वेशन L3 = 0 है, मान लो एक लाइन की इक्वेशन L1 = 0, एक लाइन की इक्वेशन L2 = 0 और एक लाइन की इक्वेशन L3 = 0। मान लो तीनों लाइन की इक्वेशन है, तो ध्यान से सुनना, राज पे राज। इस सर्कल की इक्वेशन आएगी L1 L2 + λ L2 L3 + μ L3 L1, यानी इन तीनों लाइनों द्वारा, ध्यान से सुनिए, इन तीनों लाइनों द्वारा जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका सर्कम सर्किल होगा x + 3y + 2x + y + 4 + λ × 2xy + 4 = x - (−5) + μ × x + 3y + 2 = 0। सवाल उठता है कि लैम्डा और म्यू कैसे निकालेंगे। सुनिए, जब भी आपको तीनों लाइनें दी गई हैं तो इस प्रकार से लिख लेंगे, ये देगा आपको सर्किल की इक्वेशन। लैम्डा और म्यू कैसे निकालेंगे इस पर विशेष ध्यान दें। लैम्डा और म्यू दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। तो वो दो इक्वेशन होंगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई जीरो। इन दोनों की मदद से गेट लैम्डा, वो लैम्डा में आ जाएगा, उसको रख देंगे, पूरा ब्रैकेट खोल देंगे, मिल जाएगी अपन को सर्किल की इक्वेशन। यहां पर देखिए ध्यान से। अब आइए पहले लैम्डा और म्यू निकाल लिया। लैम्डा और म्यू निकालने के लिए सबसे पहला कर्म करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई मत करिए, ध्यान से कलेक्ट करिए, ध्यान से कलेक्ट करिए। क्या करिए, कलेक्ट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आएगा टू, यहां से आएगा टू लैम्डा, बोलो हाँ सर, यहां से आएगा प्लस म्यू, आराम से हाउले हाउले। यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री, यहां से माइनस लैम्डा, माइनस थ्री में कोई दिक्कत क्या। लैम्डा और म्यू में एक लीनियर इक्वेशन मिली, तीन चार म्यू, थ्री लैम्डा तीन चार फोर म्यू इज इक्वल टू वन, बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत। अब दूसरा कर्म हमको करना है, क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को जीरो। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट कैसे करिए, इसका एक्स इंटू इसका वाई वन प्लस इसका एक्स इंटू इसका वाई सिक्स। अब यहां पर आ जाइए, इसका एक्स इंटू इसका वाई माइनस टू लैम्डा, इसका एक्स इंटू इसका वाई प्लस लैम्डा, इसका एक्स इंटू इसका वाई थ्री म्यू, इसका एक्स इंटू माइनस आया छह और एक साथ माइनस लैम्डा प्लस टू म्यू। क्या इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकल जाएगा। लैम्डा और म्यू आगे यहां रख देंगे, पूरा ब्रैकेट खोल देंगे, तबाही मच जाएगी पर सब शांत हो जाएगा और मिल जाएगी आपको इसकी सर्कम सर्किल की इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, प्लीज गो बी डाउन। एक और बेहतरीन सवाल करें जिस सवाल को करके काफी अच्छा महसूस होगा। लिखो सब बच्चे, लिखिए एक और बेहतरीन सवाल। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक और बेहतरीन सवाल लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल्स, सर्किल इज सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच कट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच कट्स ईच ऑफ द थ्री सर्किल्स, विच कट्स ईच ऑफ द थ्री सर्किल्स, विच कट्स ईच ऑफ द थ्री सर्किल्स एट देयर डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स, विच कट्स ईच ऑफ द थ्री सर्किल्स एट देयर डायमेट्रिकल एंड पॉइंट, विच कट्स each of the three circles at their diametrical end point। और वो तीन सर्किल हैं this this and this, which cuts each of the three circles at their diametrically end points, at their diametrical end points, which cuts each of the three circles एट देयर डायमेट्रिकल एंड। जो इन तीनों के तीनों सर्किल को उनके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट पर काटे, इन तीनों के तीनों सर्किल को उनके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट पे काटे। सब बच्चे ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से। ये तीन सर्किल सुनिए क्या है, एक सर्किल, दो सर्किल और ये तीन सर्किल। हमको एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, हमको एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों के तीनों सर्किल को डायामीटर के एंड पॉइंट पे काटे। क्या मतलब है डायामीटर के एंड पॉइंट पे काटे, कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं अगर उनको जोड़ दूं तो ये इस सर्किल का डायमीटर बन जाए, यानी सेंटर से पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं अगर इनको जोड़ दूं तो ये डायमीटर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं अगर इनको जोड़ दूं तो डायमीटर। हमको ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों के तीनों सर्किल को बिल्कुल डायमेट्रिकल एंड पॉइंट पे काटे। इतना सीधा नहीं होगा। ये तीन सर्किल तो गिवन है लेकिन ये बड़ा सर्किल चाहिए। अच्छा, इस सर्किल को ये कहो तो इसका सेंटर 0,0 और रेडियस 2, इसका सेंटर -1,2 और रेडियस g² + f² 2 का स्क्वायर 5 और प्लस √7। अगर इसका सेंटर बोलूं तो सेंटर 3,4 3 का स्क्वायर 9 √15। सेंटर रेडियस बड़े बर्बाद है, तो मैंने ऐसे ही निकाल लिए। अब भैया हमको ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों के तीनों सर्कल को उसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे काटे। कैसे करेंगे भाई, कुछ तो बताइए। जिस सर्किल की हमको इक्वेशन निकालनी है हम उसका सेंटर मान लेते हैं h, के मान सकता हूं सेंटर, और रेडियस r मान लिया। तो अगर इसको ऐसे जोड़ूंगा ये लेंथ r आएगी कि नहीं आएगी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ सर। और इसको अगर ऐसे जोड़ दूंगा तो वापस से r आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर इसको इससे जोड़ दूंगा ये भी 90 डिग्री r बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए खिलवाड़ शुरू करें। ध्यान देखिए, पहले इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ। अब इन तीन सर्किल की जरूरत तो है, इनको मिटा देता हूँ। सर्किल अपन ऑलरेडी प्लॉट आउट कर चुके हैं, सेंटर रेडियस निकाल चुके हैं। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशनें आ गई। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h² + k² + 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला के स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब आ जाए यहाँ पर दिस स्क्वायर h + 1 का होल स्क्वायर + k - 2 का होल स्क्वायर + 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो हाँ सर। नेक्स्ट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। चलिए बात करें h - 3 का होल स्क्वायर k - 4 का होल स्क्वायर + 15 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? बस बात बन गई। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। ना, लेकिन हम इनको सॉल्व करेंगे चालाकी से। आइए दिखाएं। 3 - 1 कर दो, 3 में से 1 को घटा दो तो h² कट गया। यहां पर आएगा 9 - 6h, यहां पर आएगा 16 - 8k। 15 में से 4 गए, 11 इक्वल टू 0। क्या h और k में लीनियर इक्वेशन बन गई? अब 2 में से 1 को घटा दें, यहां पर आएगा h² कट गया, 1 + 2h + 4 - 4k। 7 में 4 गए, 3। क्या 2 लीनियर इक्वेशन आ गई h और k में? बहुत इजी। साग HNK यानी सॉल्व एंड गेट HNK। h और क्या जाएगा तो रेडियस कैसे निकालोगे? पहली इक्वेशन। अगर h पता k पता तो रेडियस कैसे? देन गेट। सेंटर पता, रेडियस पता तो सर्कल की इक्वेशन पता। इज द अप्रोच क्लियर? छाप लीजिए। 2 और छोटी छोटी बातें करें। कितनी और? 2 और छोटी छोटी बातें करें और इन दोनों बातों को ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 3 लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 3 लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्किल। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of point from circle, maximum and minimum distance of point from circle, maximum and minimum distance of point from circle. सोचो एक सर्किल गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट, या तो पॉइंट बाहर होगा या पॉइंट अंदर होगा या पॉइंट ऊपर होगा या पॉइंट अंदर होगा। हम पता लगाना चाहते हैं इस पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम या मिनिमम दूरी। अगर पॉइंट बाहर है तो सेंटर है, तो भैया अगर ऐसे दोनों को जुड़वा दूं तो ये हो जाएगी पॉइंट और सर्कल की मिनिमम दूरी। बोलो हाँ सर। और यहां से ये हो जाएगी पॉइंट और सर्कल की मैक्सिमम दूरी, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी पीसी माइनस आर, पीसी माइनस आर। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। और मैक्सिमम दूरी पीसी प्लस आर। अगर पॉइंट इसके ऊपर है तो भी सेंटर से अगर जोड़ दो तो मिनिमम दूरी जीरो है क्योंकि पॉइंट उसके ऊपर ही है, जिसको आप चाहो तो पीसी माइनस आर लिख सकते हो। हम एक ही फॉर्मूला चाह रहे हैं ना, बार बार केस कौन ले। अच्छा, मैक्सिमम दूरी 2r के बराबर है, जिसको आप चाहो तो पीसी प्लस आर भी लिख सकते हो। ताकि एक ही फॉर्मूला ना। पॉइंट अगर अंदर निकल के आ गया तो कोई रोने वोने की जरूरत नहीं है। आइए बात करें, अब की बार ये मिनिमम है और यहां से ये मैक्सिमम है। मिनिमम दूरी की बात करें तो ये दे आर है, आर आर माइनस पीसी, और मैक्सिमम दूरी तो अभी भी पीसी प्लस आर। यानी अपन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यूं कर दें कि मिनिमम दूरी हमेशा पीसी माइनस आर का मॉड आएगी और मैक्सिमम दूरी हमेशा पीसी प्लस आर ही आएगी। अब आपको ये जांचना नहीं कि पॉइंट कहाँ है, आपको कहीं पर भी पॉइंट गिवन हो सीधे पीसी माइनस आर पीसी प्लस आर। हाँ क्या किसकी? अरे सर्किल ये थोड़ी है, सर्किल तो ये है, तो ये पॉइंट है जो मिनिमम दूरी पर है और ये पॉइंट है जो मैक्सिमम दूरी पर है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस ही होता है, सेंटर थोड़ी। क्या ये क्लियर है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मेरे मन में इच्छा अभी और है, इच्छा है ना तो मरती रहती है। मिनिमम और मैक्सिमम दूरी आ गई, अब मैं निकालना चाहता हूं मिनिमम दूरी वाला पॉइंट और मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट। मेरे भी चाह रहा हूं पॉइंट भी निकले जिसके साथ मिनिमम दूरी है और वो पॉइंट भी निकले इसके साथ मैक्सिमम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कॉपी करो तो मैं ट्रिक बताऊं, कॉपी करो। अब सुने मेरी बात ध्यान से। अब अपने मन में इच्छा उमड़ रही है कि यार ये जो मिनिमम और मैक्सिमम दूरी वाले पॉइंट ये भी निकाले। अब इनको आप हमेशा निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला इजी टू यूज होता है और एक बार में आंसर आता है। ये देखो, ये दूरी कितनी है आर, ये दूरी कितनी है पीसी माइनस आर। क्या आपको पॉइंट भी पता? हाँ। अरे सर्किल का सेंटर पता है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये डिवाइड करता है पीसी इंटरनली इन रेशियो पीसी माइनस आर इज टू आर। क्या पॉइंट निकाल पाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से? बोलो हाँ सर। अब इस पॉइंट पर आ जाइए, ये वाला पॉइंट आप निकालने के इच्छुक हैं, तो आप वापस सेंटर की ओर देखें। यहां से ये दूरी पीसी प्लस आर और ये दूरी आर, तो ये पॉइंट डिवाइड करता है पीसी एक्सटर्नली इन रेशियो, बाहर है ना पीसी के, पीसी प्लस आर इज टू आर। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहां पर आ जाओ, इस केस में आ जाओ ध्यान से। इसमें तो मिनिमम दूरी वाला पॉइंट ये खुद ही हो जाएगा और मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट देखो ये वाली बात यहां पर भी काम कर रही है, क्योंकि इस केस में पीसी माइनस आर जीरो हो जाएगा, तो जब तुम इस डिस्टेंस को जीरो करोगे तो पॉइंट पी ही मिल जाएगा आपको। और ये वाली बात भी यहां काम कर रही है, क्योंकि पीसी खुद किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो अपने आप ही 2:1 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी 2 यूनिट्स है और ये दूरी 1 यूनिट है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अरे आई, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। मुद्दे की बात ये है, रिजल्ट ना भी ध्यान रहे, लॉजिक को ध्यान रखें कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला, तो दोनों पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा एक बार में आंसर। अब जरा यहां पर आ जाइए, यहां पर ये वाला पॉइंट भी बाहर है और ये वाला पॉइंट भी बाहर है, कोई खास बात नहीं है। पी पॉइंट पता है कि नहीं पता, सी पॉइंट पता है कि नहीं पता। अब की बार ये दूरी कितनी है आर, और अब यार ये दूरी आर माइनस पी सी, तो मिनिमम दूरी वाला पॉइंट डिवाइड्स एक्सटर्नली सी पी इन रेशियो, किस रेशियो में, आर इज टू या पी सी लिख लें तो पी सी इन रेशियो आर माइनस पी सी बाय आर माइनस पी सी बाय आर। तो दिक्कत क्या इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और ये वाला पॉइंट ये भी डिवाइड एक्सटर्नली पी सी इन रेशियो पी सी प्लस आर इज टू आर, बिकॉज यहां से ये दूरी कितनी जाएगी, पी सी प्लस आर, और ये दूरी कितनी। क्या बात समझ में आई? मुद्दे की बात ध्यान रखेंगे कि कोई लाइन निकाल के फालतू सॉल्व नहीं करेंगे, चुपचाप सीधे यूज सेक्शन फॉर्मूला। कॉपी कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट बहुत जबरदस्त है, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर सर्किल द्वारा बनाया गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए बात करें इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल निकालें। क्या मतलब है यह सुनिए, ये वाई एक्सिस है, हम पता लगाना चाहते हैं कि वाई एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर है अगर वो उसको काट देता है, और ये अपनी एक्स एक्सिस है, हम पता लगाना चाहते हैं एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर है अगर वो उसको काट देता है। बहुत इजी और बहुत ही लॉजिकल। सोचो, अगर सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जनरल ले लो सर्किल की इक्वेशन। अब ये जहां पर भी वाई एक्सिस को काटेगा, जहां पर भी वाई एक्सिस को काटेगा, एक्स जीरो होगा कि नहीं होगा, एक्स जीरो होगा। एक्स को रखते क्वाड्रेटिक बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ, क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी? अब एक बार जैसे क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक का अपन रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। अगर रूट अल्फा एंड बीटा हैं तो ये पॉइंट 0, अल्फा होगा, ये पॉइंट 0, बीटा होगा। लेकिन अच्छा, अगर रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2f के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा c के बराबर होगा। बोलो हाँ, हमें अल्फा बीटा बीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है मॉड अल्फा माइनस बीटा इस लेंथ में। या फोड़ू कितना इंटेलिजेंट है ये बाला। इसको होल स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं, जो कि बन जाएगा रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो हाँ, जैसे अपन वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की, ये चीज सॉल्व हो गया जाएगी 2√f² माइनस c। देख सकते हैं, देख सकते हैं, जहां से छोटी छोटी बातें जो कहनी नहीं चाहिए फिर भी कह दे रहा हूं। f² माइनस से अगर ग्रेटर देन 0 है तो कट्स वाई एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर f² माइनस से ग्रेटर देन 0 होगा तो लेंथ होगी, और लेंथ होगी तो दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन अगर f² माइनस c इक्वल टू 0 है, f² माइनस c इक्वल टू 0 है, ऐसी स्थिति में टचेज वाई एक्सिस। ऑब्वियसली बात है, लेंथ 0 है तो बिल्कुल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। क्या ये बात समझ में? और अगर f² माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर f² माइनस से लेस देन 0 है तो अपन बोलेंगे राइट या लेफ्ट ऑफ वाई एक्स, या तो वाई एक्सिस के राइट में होगा या वाई एक्सिस के लेफ्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब आ जाइए, जैसे हमने वाई एक्सिस पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाली है वैसे हम निकालेंगे एक्स एक्सिस पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और देखें कैसे निकलेगी। ऑब्वियस बात है, ये सर्किल जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटेगा वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू जीरो। वही कहानी, सेम कहानी, अगर इसके रूट गामा एंड डेल्टा हो जाएंगे तो ये वाला पॉइंट ओ गामा कॉमा जीरो और ये वाला पॉइंट डेल्टा कॉमा जीरो। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? गामा और डेल्टा, चार गामा और डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा वापस से माइनस 2g के बराबर और गामा इंटू डेल्टा c के बराबर। वापस से मुझे तो लेंथ में इंटरेस्ट है और ये लेंथ निकल के आएगी मॉडुलस ऑफ गामा माइनस डेल्टा। बोलो हाँ, जिसको रूट ऑफ गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि निकल के आ जाएगा रूट ऑफ गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। वापस से अगर अपन लिखेंगे तो 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। कहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी कह देता हूं, लेकिन आप बिना कहे समझ चुके होंगे। या तो g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 या g स्क्वायर माइनस c लेस देन 0, g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूंगा cuts x axis at 2 distinct points, और अगर g square minus equal to 0 तो हम बोलेंगे touches x axis, और अगर g square minus less than 0 तो above और below x axis। ना तो x axis को touch करेगा ना ही x axis को cut करेगा। कॉपी कर लीजिए। अब मुझे बताया कि x एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर होगा, फिर बताया कि y एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर होगा। ये दोनों बातें बता दी गई कि x एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर होगा और y एक्सिस का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर होगा। ये दोनों बातें बता दी तो मन में एक छोटी सी इच्छा उमड़ी कि सर x एक्सिस और y एक्सिस अगर नहीं दी गई, जनरल लाइन दे दी गई। फिफ्थ पॉइंट लिखो, इंटरसेप्ट ऑफ एनी जनरल लाइन इन सर्किल, 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 इंटरसेप्ट ऑफ एनी जनरल लाइन इन सर्किल। किसी भी जनरल लाइन का सर्किल में इंटरसेप्ट, किसी भी जनरल लाइन का सर्किल में इंटरसेप्ट। मान लीजिए सर्किल गिवन है और एक लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c। हम पता लगाना चाहते हैं कि इस लाइन का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर है। तो बहुत इजी है, सुनना ट्रिक। क्या सर्किल का सेंटर नोन है आपको? यस। क्या सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या सर्किल का रेडियस पता है कि नहीं? तो ये इतनी सी लेंथ अगर देखें तो रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो भैया कितना इंटरसेप्ट आ गया? 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। सर्किल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें आप। सर्किल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें, और सर्किल के सेंटर से लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगी तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लेंथ दे देगा। तो पूरी लेंथ 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बिना कोई झंझट लगाए, बिना कोई दिमाग लगाए, बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी जनरल लाइन का कितना पोर्शन सर्किल के अंदर है। कॉपी कर लें। एक छोटी सी बात और पढ़ें, लिखो, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्किल, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्किल, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्किल। आइए बात करें लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन। हमें एक लाइन गिवन और एक सर्कल गिवन है। हम पता लगाना चाहते हैं कि लाइन सर्कल के बाहर है कि लाइन सर्कल को टेंजेंट है, सीकेंट है, क्या है। बहुत ईजी, आपको सर्कल दिया गया है, लाइन दी गई है। सर्कल के सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन आर तो लाइन आउटसाइड, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर तो लाइन टेंजेंट। बसा लो मन मंदिर में, यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कोई भी लाइन सर्किल को टेंजेंट होगी, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। कोई भी लाइन सर्किल को टेंजेंट होगी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। कोई भी लाइन सर्किल को टेंजेंट होगी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन आर तो लाइन सीकेंट, तो लाइन क्या बन जाएगी? सीकेंट। क्या बात समझ में आई? और आखिरी चीज, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाए, अगर लाइन ही सेंटर से पास करे तो लाइन नॉर्मल, दैट इज पासेज थ्रू सेंटर। और यही कहलाती है कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी। बिल्कुल याद होना चाहिए, कोई लाइन टेंजेंट कब होगी? जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। बस। कोई लाइन टेंजेंट कब होगी? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। कोई लाइन सर्किल को टेंजेंट कब होगी? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। और कोई लाइन नॉर्मल कब होगी? सेंटर से पास करे, सेंटर लाइन पर लाई करे। कोई भी लाइन अगर नॉर्मल है तो वे सेंटर्स के ऊपर लाई करना चाहिए। क्लियर है एवरीबॉडी? छपो।